बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज लेक्चर 4 हम शुरू करते हैं, जिसमें हम कवर करेंगे टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट टैब का, उसके बाद क्विक पार्ट्स को हम देखेंगे, वर्ड आर्ट, ऑब्जेक्ट, डेट एंड टाइम और इक्वेशन एंड सिंबल। स्टार्ट करते हैं लेक्चर अगेन स्टार्टिंग विद शॉर्टकट की। कैमरा शॉर्ट को स्टार्ट कैसा करना है, विंडोज़ और आर की दबाएंगे आप तो रन कमांड आ जाएगी और उसमें विन वर्ड लिख के एंटर करेंगे तो आपका एमएस वर्ड ओपन हो जाएगा। अच्छा जी, एमएस वर्ड में हमने करना है होम टैब हमने कर लिया, इंसर्ट टैब के हम अभी इस टेक्स्ट वाले टैब की तरफ आ गए हैं, टेक्स्ट वाले टैब और फिर इक्वेशन एंड सिंबल को देखेंगे। अच्छा, पहले टेक्स्ट बॉक्स पे देख लेते हैं। टेक्स्ट बेसिकली टेक्स्ट बॉक्स जो है वो एक फ्री स्टाइल एरिया है। आप टेक्स्ट बॉक्स जिसे नॉर्मली टेक्स्ट आपको विद इन लाइन्स और अकॉर्डिंग टू जो वर्ड की गाइडलाइन है उसके मुताबिक लिखना पड़ता है। अगर आप चाहते हैं कि आप कुछ स्पेसिफिक हाईलाइट करते हुए टेक्स्ट लिख दें और उसको मूव कर सकें कहीं भी अपनी मर्जी का, तो टेक्स्ट बॉक्स के जरिए से आप ये काम सरंजाम दे सकते हैं। इसमें आप ड्रॉप डाउन में जाएंगे तो इसके बाद कुछ बिल्ट इन फॉर्मेट टेम्पलेट्स भी बने हुए हैं, देखें एनुअल साइड बार बनी हुई है ये, और अगर आप अपने कस्टम को बनाना चाहते हैं तो आप ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स में जाएं और उसको ड्रॉ कर लें। अब इसमें क्या फ़ायदा है कि इसमें आप देखें टेक्स्ट एक लिख भी सकते हैं, और इसी तरह इस टेक्स्ट को नॉर्मली जैसा टेक्स्ट को बड़ा भी कर सकते हैं, और अब ये विद इन टेक्स्ट बॉक्स है ना तो इसको कहीं भी मूव भी कर सकते हैं, मूवेबल है, इसको पकड़ के आप डॉक्यूमेंट के किसी भी साइड पर लेके जा सकते हैं। अच्छा, जैसे ही टेक्स्ट बॉक्स हमने एंटर किया इसके ऊपर अगर आप डबल क्लिक करेंगे तो इसकी एक स्पेशल जो है ना बार खुल गई है, जिसके ऊपर आप मुख्तलिफ इसकी डिज़ाइन टेम्पलेट्स अवेलेबल हैं, इसकी डायरेक्शन अवेलेबल है, ठीक है। इसमें आप डायरेक्शन को क्लिक करेंगे तो ये वर्टिकल हो गया वापस, ठीक है, डिफरेंट डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं। इसी तरह मुख्तलिफ इसके टेम्पलेट्स हैं, इसमें वन क्लिक करके जो है वो मुख्तलिफ टेम्पलेट्स को चेंज कर सकते हैं। इसी तरह शेप फिल बेसिकली इसका बैकग्राउंड कलर है। इसी तरह आउटलाइन जो उसका बॉर्डर लाइन है वो उसको कलर को चेंज आपने करना है, या उसको डैश उसकी वेट को बढ़ाना है, उसको डॉटेड बनाना है, ठीक है, उसका कलर चेंज करना है, ये सिर्फ आउटलाइन का कलर है। इसी तरह शेप को आपने चेंज करना है, शेप इसके इफेक्ट्स लगाने हैं, इसको इसके ऊपर आपने देखें शेडो देना है, मुख्तलिफ इसके ऊपर इफेक्ट्स अवेलेबल हैं। इसी तरह 3D इफेक्ट्स अवेलेबल हैं, इसको आपने सेंड टू बैक करना है। अगर दो टेक्स्ट बॉक्सेस हैं बेसिकली, देखें अगर हम इसको ड्रॉ एक और ड्रॉ करते हैं और हम इसको इसको हम कर देते हैं ग्रीन, ठीक। अब इस टेक्स्ट बॉक्स को अगर हम इसके ऊपर ले जाते हैं तो ये इसके ऊपर है और ये बैक साइड के ऊपर है। अब हम चाहते हैं कि हम इसको बैक साइड पर कर दें तो हम इसको कर देंगे सेंड टू बैक और ये फ्रंट पर आ गया। इसी तरह इसको हम बैक पर करना चाहते हैं तो कहेंगे सेंड टू बैक, या हम इसको फ्रंट पे लेके आना चाहते हैं तो हम इसको क्लिक करके कहेंगे ब्रिंग टू फ्रंट। तो ये है बेसिकली उसकी मैनेजमेंट है, जिसमें हम मुख्तलिफ टेक्स्ट बॉक्स जो है वो मूव कर सकते हैं और चेंज कर सकते हैं। दोबारा हम आते हैं, इसको हम डिलीट कर देते हैं। टेक्स्ट बॉक्स के बाद आते हैं क्विक पार्ट्स। क्विक पार्ट्स बेसिकली कुछ प्री डिफाइंड डॉक्यूमेंट की प्रॉपर्टीज होती हैं, हम कहीं भी इंसर्ट कर सकते हैं। जैसा डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टी में आप जाते हैं, एब्स्ट्रैक्ट हो गया, ऑथर का हो गया, ठीक है, बाय डिफॉल्ट ऑथर हमारा सिस्टम का नेम, मेरा नेम HP है तो बाय डिफॉल्ट ने HP उठा लिया, तो आप ये कहीं भी स्पेशल टैग डाल सकते हैं कि यहाँ पर ऑथर का नाम आ जाए, ठीक है। इसी तरह और भी इसके अंदर कुछ प्रॉपर्टी, कंपनी का नेम आ जाए, ठीक है, कंपनी का नेम जो भी आ रहा है या जो भी आपका कंपनी का नेम जो है आपके सिस्टम से। इसमें जो खासियत ये है कि आप वैसे भी टेक्स्ट डाल सकते हैं, इसमें यह है कि बाय डिफॉल्ट आपके सिस्टम की जो सेफ सेटिंग होंगी उसको आप री यूज़ कर सकते हैं बार बार डिफरेंट जगहों पर। इसी तरह वर्ड आर्ट की तरफ आते हैं। नॉर्मल टेक्स्ट के ऊपर आप बहुत ज़्यादा फॉर्मेटिंग उस तरह अप्लाई नहीं कर सकते, डिज़ाइन उसको ड्रैग एंड ड्रॉप मूव नहीं कर सकते एज सच, और उसके ऊपर जो है वो ज़्यादा उसकी जो आउटलुक है वो वर्ड आर्ट के अंदर जो है वो डेकोरेटिव टेक्स्ट को बोल सकते हैं। इसमें देखें मुख्तलिफ टेम्पलेट्स हैं, हम इसको अप्लाई करते हैं वर्ड आर्ट, इसमें आप कुछ भी लिख सकते हैं। तो अब ये देखें जैसे हमने क्लिक किया, इसमें भी अगेन इसकी अपनी बार खुल गई है, इसकी स्पेसिंग आप बढ़ाना चाहते हैं, वेरी टाइट करना चाहते हैं इसको, इसी तरह वेरी लूज करना चाहते हैं,
इसकी अलाइनमेंट चेंज करना चाहते हैं, ठीक है, इसके डिज़ाइन को चेंज शिफ्ट फेल करना चाहते हैं, इसके अंदर इफेक्ट डालना चाहते हैं, तो वो इसके मुताबिक इसमें इफेक्ट्स आ देंगे। इसको बड़ा करना चाहते हैं, ठीक है, इसके 3D इफेक्ट देना चाहते हैं आप, तो ये मुख्तलिफ इसमें डिज़ाइन अवेलेबल हैं जिसको आप ट्राई कर सकते हैं। चलिए दोबारा हम आते हैं इंसर्ट के टैब के ऊपर। इसके बाद आ रहा है वर्ड आर्ट के बाद ड्रॉप कैप। अच्छा, ड्रॉप कैप बेसिकली वैसे इनएक्टिव है जब आपका टेक्स्ट लिखा हुआ होगा। क्विक ब्राउन फॉक्स जंप्स ओवर द लेजी डॉग। इस पैराग्राफ के अंदर हम इसको बड़ा कर देते हैं थोड़ा सा, हम इंसर्ट में ड्रॉप कैप लगाना चाहते हैं, ठीक है। अब मुख्तलिफ स्टाइल हैं ड्रॉप कैप के। ड्रॉप कैप आपने देखा होगा मुख्तलिफ जर्नल्स के अंदर, मैगजीन्स के अंदर, जो पहला वर्ड होते हैं या अखबारों के अंदर जो पहला वर्ड ड्रॉप होता है, मतलब कैपिटल आ रहा होता है, ठीक है। क्विक ब्राउन फॉक्स जंप्स ओवर द लेजी डॉग, दैट्स इट। अच्छा जी, इसके बाद आता है सिग्नेचर लाइन। अब आपने डॉक्यूमेंट के ऊपर सिग्नेचर करने हैं। इसमें ऑनलाइन सिग्नेचर्स बेसिकली आप ऑनलाइन डिजिटल आईडी भी अपनी परचेज भी कर सकते हैं, मतलब कोई थर्ड पार्टी वेंडर्स भी होते हैं, लेकिन बाय डिफॉल्ट अगर आपने वर्ड के अंदर ही सिग्नेचर इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर करने हैं तो आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, तो हम बजाय इसको ऑफिस मार्केट से लेने हम इसको डायरेक्ट ओके करते हैं। और यहाँ पर हम कहते हैं रजिस्टर्ड साइनर, साइनर का नाम देते हैं, अपना डेजिग्नेशन दे देते हैं, ईमेल एड्रेस दे देते हैं, ठीक है। इसको हम अलाउ कर देते हैं, ओके करते हैं, तो ये देखें साइन आ गए, सिग्नेचर आ गए हैं यहाँ पे। इसको हम साइन करके अपना को इवन यू मस्ट सेव द डॉक्यूमेंट, ठीक है। डॉक्यूमेंट को पहले सेव करते हैं, इसको हम डेस्कटॉप के ऊपर लेक्चर 5 के साथ सेव कर देते हैं। अब जैसे हमने सेव किया इसको, तो ये यहाँ पे हमारा सिग्नेचर आ रहा है, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर। इसको हम जो अपना ओरिजिनल साइन है बेसिकली, हम उसको उसका इमेज लेके वो हम सिलेक्ट करके यहाँ पे डाल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम ये वैसे ही कोई और कोई भी आइकन ले लेते हैं, इसको हम डाल लेते हैं। ये देखें इस तरह जो वो अगर आपका इमेज होगा सिग्नेचर का तो वो यहाँ पर सेव होके इसको आप साइन कर देंगे, सेव इन दिस डॉक्यूमेंट, ठीक है। ये अब आपका सिग्नेचर, आपका वैलिड सिग्नेचर आ गया 13 अगस्त जो है वो 2018 को, ये आपका सिग्नेचर हो गया। इसी तरह आप ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हैं, मुख्तलिफ थर्ड पार्टी टूल होते हैं जिसमें जो के इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक होते हैं, उसको आप में भी परचेज करना पड़ता है आपको इलेक्ट्रॉनिकली सिग्नेचर्स को, ठीक है। इसके ऊपर आप एक्सप्लोर करें कि और उसमें ऑप्शन क्या अवेलेबल हैं। अच्छा जी, इसको हम रिमूव भी कर सकते हैं, रिमूव सिग्नेचर्स करेंगे तो वो यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। अच्छा जी, इसके बाद ऑप्शन आ गई है डेट एंड टाइम की। डॉक्यूमेंट के अंदर कहीं भी आपने डेट या टाइम इंसर्ट करना है, बजाय इसके कि आप टाइप करें, तो आप इंसर्ट पे जाएं और डेट एंड टाइम पे जाएं, वो आपको मुख्तलिफ फॉर्मेट से देगा आप कहेंगे, और आज का करंट डेट आ रहा होगा इसमें, इसको आप ओके करेंगे तो आपकी डेट एंटर हो जाएगी। इसी तरह मुख्तलिफ आप इसमें ये वाला टेम्पलेट देना चाहते हैं तो ये वाला टेम्पलेट आ जाएगा, करंट डेट आ जाएगी, ठीक हो गया। इसके बाद आ रहा है ऑब्जेक्ट। जैसा हम मुख्तलिफ पिक्चर्स इंसर्ट कर सकते थे, तो यहाँ पे आप कोई भी अदर देन पिक्चर, कोई ऐसा ऑब्जेक्ट है जो कि आप एम्बेड करना चाहते हैं, इवन वर्ड डॉक्यूमेंट को अगर हम ऑब्जेक्ट एज एन ऑब्जेक्ट देखें, आप इसमें कहेंगे टेक्स्ट फ्रॉम फाइल भी कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट करेंगे तो आपका PDF डॉक्यूमेंट इंसर्ट हो सकता है, ठीक है। इसी तरह फॉर एग्जाम्पल मैं इसको कहता हूँ PDF डॉक्यूमेंट को ही मैं करना चाह रहा हूँ, अपने CV को साथ अटैच करना चाह रहा हूँ, एडोब एक्रोबेट डॉक्यूमेंट, ठीक है, डिस्प्ले आइकन के ओके कर देता हूँ। अब इसको वो कहेगा कि इस PDF के साथ क्या खोलना है आपने, ठीक है। इस डेस्कटॉप के ऊपर मैं अपना CV को मैं लिंक कर देता हूँ, तो अब ये देखें डॉक्यूमेंट जो है वो आपका CV ओपन हो जाएगा इसमें, जैसे आप क्लिक करेंगे तो CV ओपन हो जाएगा इसमें, यहाँ पर PDF आ जाएगा। इसी तरह टेक्स्ट फ्रॉम फाइल भी हो सकता है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कोई वर्ड डॉक्यूमेंट देता हूँ, इसको मैं इंसर्ट करता हूँ, तो
आपका देखें वर्ड डॉक्यूमेंट के अंदर जो भी टेक्स्ट था मुझे इसके कॉपी पेस्ट करने के, मेरा पूरा वर्ड डॉक्यूमेंट इसके अंदर इंसर्ट हो गया। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बेसिकली जेनेरिक इंसर्शन है। आप कोई भी अदर देन पिक्चर, चाहे वो वर्ड फाइल हो, चाहे वो पीडीएफ फाइल हो, ठीक है, या और बिट मैप कोई इमेज हो या MP3 हो, उसको एम्बेड करना चाहते हैं तो आप वो इसके साथ जो है वो इसके अंदर देखें मुख्तलिफ ऑप्शन अवेलेबल हैं। स्प्रेडशीट को करना चाहते हैं या आप कोई डायरेक्टली न्यू फाइल क्रिएट करना चाहते हैं। इसके बाद ऑप्शन आता है सिंबल्स का। सिंबल्स की तरफ आते हैं तो सिंबल्स में ये लेटेस्ट वर्ड के अंदर ऑप्शंस अवेलेबल हैं। फॉर एग्जांपल आपने कोई मैथमेटिकल फार्मूला लिखना है जिसमें नॉर्मली आपके कीबोर्ड पे वो जो करेक्टर्स हैं वो अवेलेबल नहीं होते, तो आप इंसर्ट में जाके इक्वेशन भी हैं और सिम्बल्स भी हैं। ठीक है, कुछ प्री डिफाइंड इसने ऑलरेडी इक्वेशन बनाई हुई है जिसमें बाइनोमियल थ्योरम हो गया, ठीक, सम ऑफ एक्सपेंशन हो गया। आप इसको क्लिक करेंगे तो एक टेम्पलेट आ गया। इसके अंदर देखें बहुत सारे ऑप्शंस भी अवेलेबल आ गए हैं। इवन आप इसी के अंदर मॉडिफाई भी कर सकते हैं कोई क्वेश्चन। फॉर एग्जांपल आप कोई क्वेश्चन पेपर बनाने जा रहे हैं मैथमेटिक्स का, तो उसके लिए ये बहुत यूज़फुल हो सकता है आपका। इवन आप कोई कस्टम बनाना चाहते हैं इसके अंदर या ऐड करना चाहते हैं, ठीक है, इसको हम यहाँ पे कहेंगे प्लस और या इसमें इस तरह का स्क्रिप्ट डालना है, कोई आपने यू फार्मूला डालना है, ठीक है, इसको। तो ये बेशुमार ऑप्शन हैं जिसमें आप मैथमेटिकल या फिजिक्स की या केमिस्ट्री की कोई इक्वेशंस इस तरह की डालनी हो तो आप डाल सकते हैं। इसी में सिंबल्स के अंदर आप देखेंगे तो सिंबल्स के अंदर ऐसे सिंबल्स हैं जो कि आपके कीबोर्ड पे नॉर्मली अवेलेबल नहीं होते, ठीक है, जैसे यार ग्रीक स्मॉल लेटर पाई आ रहा है, ये इसी तरह जो है वो बीटा का आ रहा है, इसी तरह ओमेगा का आ रहा है, ठीक है, ओम साइन सॉरी बेसिकली। इसी तरह मोर सिंबल में जाएंगे तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल हैं। इवन ये इस तरह के भी हैं जो डिपेंड कर सकता है कि आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक आप इनको इंसर्ट कर सकते हैं। जी दोस्तों, ये था आज के लेक्चर में जिसमें हमने टेक्स्ट को कवर किया और सिंबल्स को कवर किया। इसको आप साथ साथ एक्सप्लोर करें, अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक इन टास्क को परफॉर्म करें। अगले लेक्चर में इंशाल्लाह हम कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की तरफ जाएंगे जिसमें पेज लेआउट को हम ओवरऑल गो थ्रू कर देंगे, फिर नेक्स्ट रेफरेंसेस को गो थ्रू करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक यू वेरी मच।